संगीत आग का गोला चिंगारी परी सोला उर्फ डाकू ज्वाला सिंह। हमने फेंक दिया तब कह रहे हो ठीक है, ये बच्चों का खिलौना नहीं है रे, ये खानदान नाश करने की मशीन है मशीन। अगर साले फेंकने से पहले थोड़ा सा टिगर दबा दिया होता ना तो जिस जगह तुम जिंदा खड़े हो बात तेरी लाश पड़ी होती लाश। तो गैर की बात की तरह तैयार हो जाओ। अरे अरे फंसे तो सलाई आज होने तो लड़ाई तैयार। नाम क्या है? मेरा नाम सूरज है। सूरज, तूने मेरे बेटे के ग्रेबान पर हाथ डालकर ऐसा कुछ किया जो कि कानून को अपनी मुट्ठी में ले लिया। हाँ, कानून को मैंने अपनी मुट्ठी में लिया है। बोल। बस मैं आता इसकी जान अभी यहीं पर ले लूं, खत्म कर दूं उसे। निकल साले, निकल। चेहरे नालायक, आखिर में मतलब मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि मेरे बेटे ने गलत ही क्या किया है जो कि तूने मेरे बेटे अभय प्रताप के गिरेबान पर तूने हाथ डाला है। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ। एक किस्सा तुम्हें जानना चाहता हूँ कि तेरे बेटे ने क्या किया। तेरे बेटे ने मेरी बहन की इज्जत को तार तार कर दिया। क्या सबूत है तेरे पास कि तेरी बहन की इज्जत हमने लूटी है? नौटंकी तलाश साला। आखिर में तूने ये जुर्म क्यों किया रे? मैं इस पे जानना चाहता हूँ सूरज। और किया जुर्म तूने? और किया जुर्म तूने? और बताना पड़े तेरे पास कौन सा ऐसा सबूत है? वो फौरन पेश कर। साहब, हाँ,
तुम सबूत चाहे तो किसका सबूत क्या है? मैं सिर्फ यही तो जानना चाहता हूँ। इसका सबूत मेरी बहन और मेरा पिता है। सूरज, तेरे खानदान की कोई भी गवाही नहीं हो सकती। अदालत ठोस सबूत और गवाहों के बल पर चलती है, इसलिए बोल, गांव के अंदर कोई ऐसा व्यक्ति है जो तेरे मेरे खिलाफ गवाही दे सकता है? नहीं दे सकता ना। बस सूरज साहब, हाँ, अगर आप आए तो इसका इंसाफ करिए सर। मैं आपसे यही कहूंगा सर, इसका इंसाफ करिए, मुझे इंसाफ चाहिए। आखिर कब तक, आखिर कब तक चित्तौड़गढ़ में ये सब होता रहेगा? सूरज, इंसाफ करने से पहले तूने कानून को अपनी मुट्ठी में ले लिया है मादर चोद। अब इंसाफ, अगर तुझे इंसाफ भी चाहिए था तो फौरन मेरे थाने आकर इसके खिलाफ FIR दर्ज करवाना था। हाँ, उड़ कर आए हो साहब तो इंसाफ कीजिए। उड़ कर आए हो साहब तो इंसाफ कीजिए। गुनहगार हूँ तो सजा मुझको दीजिए। माफ कैसे करूं ये न होगा कभी, जब तूने है शंकर तौकलपुर की तरफ से ये 10 रुपए दे रहे। उन भाई साहब का कहना है कि एसपी साहब अठाकू लोग इतना ना सताओ, बहुत परेशान। आज मुझे मालूम हुआ
कि कानून क्या चीज है, कानून झूठ को विसर्जन करवा लेता है। दादाजी बैठ के एक भी पाने सुनना चाहता हूँ, लगाओ तो सूरज यू आर अंडर अरेस्ट। क्यों मेरी जिंदगी को बर्बाद करना चाहते हो, क्यों मेरी जिंदगी को बर्बाद करना चाहते हो सर? मैं बर्बाद हो जाऊंगा। जो भी तुझे दरख्वास्त कहना है वो चलकर अदालत में करना होगा, यहाँ तेरी कोई भी कुछ नहीं सुनी चाहती। या भगवान कौन सी हमसे ऐसी भूल हुई थी जो आज उसकी इतनी बड़ी सजा दे रहा है। या के हमारे भाई साहब जसकरा ने गुजिया निवासी 10 रुपए दे रहे, अब आज तुम का तो सुनता ही सही। बाल और हमसे क्या भूल हुई जो ये सजा प्रकाश राजवंशी करिखलिया निवासी 10 रुपए फिर आए हुए हैं का तुम का दो दिन गलत। साला जाहे अब की साले आ गए तो 50 जूते निकाल के मारूंगा, साला हमारा नमक खाता है। मेरे भतीजे अभय शिव तुम हमसे भी नाराज हो क्यों? मेरे भतीजे क्या कह रहे हो, तुमसे भी नाराज हो? हाँ हाँ। अरे नाराज तो इतना हो, अगर तुम हमारे चाचा नहीं होते फूफा होते तो भोसड़ी के बीच क्यों रे माता चौदह उल्लू के पट्टे आगे बढ़ो। ये आगे हमारे भाई साहब जैसा करा ना गुजिया निवासी 10 रुपया फिर देते हैं, अब कहते हैं सुधा ही हम तुम्हारे फूफा है क्यों रे माता चोर, हम तुम्हारे चाचा है रे। चाचा हो फूफा बता रहे हो चाचा श्री, अरे जब हमने तुम्हें फूफा कहा ना तो तुम्हें चून लगा ना, अरे इसी तरीके से हमें भी लगा था अपनी चौपाल में जब वो शाला सूरज हमें सिसाई के गट जैसे धमी धमा पटक रहा था। चाचा ये फिर वही आ गए हमारे भाई साहब फिर बरसात गुजिया निवासी 10 रुपया कलम बंद रहे कद कमाई बटे। चाचा भतीजे के बीच में तुम क्या कर रहे हो आज उल्लू साला? तो बहुत ही ईमानदार चोर है यह गुजिया बतावत। अरे भोसड़े गुजिया नहीं उसे का करोट बोलो तेरी माई के चोदो मादर चोद। चाचा भतीजे के बीच में बकवास करोगे तो मादर चोद 20 जूते मारेंगे। क्या मतलब तुम्हारा है चाचा श्री? बोलो। जैसे तुम्हें लगा वैसे हमें भी लगा था जब वो शाला सूरज हमारी ही चौपाल में हमें धमी धमा पटक रहा था। चाचा जब वो शाला हमें पटक रहा था तब तुम भोसड़ के आए हपा हप चौपाल में नाश्ता कर।
ही आ गए हमारे भाई साहब, ये फिर 10 रुपए आए हुए हैं। अब नाश्ता करी करी है, अब इंतजार करो सवेरे के गड़सन। मेरे भतीजे, हम तुम्हारी बात में सहमत हैं, क्यों तुम्हारे कहने का मतलब है, जिस समय वो सूरज इस चौपाल के अंदर तुम्हें पटक रहा था, हम नाश्ता कर रहे थे। भतीजे, मेरी गलती नहीं, गलती सब तुम्हारी है, क्योंकि हम और तुम साथ साथ नाश्ता करते थे। आवाज तुमने दादाजी के सामने कह दिया कि चाचा जी जाओ और पिताजी के साथ नाश्ता तुम भी करो। अरे चाचा श्री, तुम्हें मालूम होना चाहिए, जब पिता श्री तुम्हारे साथ नाश्ता करते थे तब मैं नहीं करता था। अरे आगे ये आ गए हमारे भाई साहब नीतू तिवारी की तरफ से, और 10-10 रुपया देते हैं दो जने के यहाँ। अब कहा सवेरे जब आई कुर्ता धोती पहन के रहे, चाचा श्री तुम्हें मालूम होना चाहिए, जब पिताश्री तुम्हारे साथ नाश्ता नहीं करते थे तब हम तुम्हारे साथ नाश्ता करते थे। अगर पिताश्री तुम्हारे साथ नाश्ता करते थे तो हम तुम्हारे साथ नाश्ता नहीं करते थे। अरे आज पिताश्री तुम्हारे साथ नाश्ता करना चाहते थे, मैं कैसे कर लू। चाचा श्री वही बात नहीं, तुम हमारे चाचा हो और चाचा श्री बन के ही रहा, तुम्हें मालूम होना चाहिए, जब बाप की जूती बेटे के पैर में आ जाए तो उसे बेटा नहीं बल्कि बाप समझना चाहिए। चलो चाचा श्री। तो इसके मतलब तुम मादरचोद हमारे बाप हो गए हो। तेरा कहना बिल्कुल सत्य है कि अगर पिता का जूता पैर में आ जाए तो बेटे को जवान हो जान जवान समझना चाहिए। चाचा श्री, अरे जब बेटा हो जाए आप बराबर तो उसको समझो बाप बराबर। ये आगे हमारे भाई साहब जसकरण, जसकरण की तरफ से 10 रुपए आए हुए हैं, और कहते हैं गरीबन ज्यादा ना सताओ। चलो आज तुम हमारे लिए पानी गरम करोगे और हम स्नान करेंगे। चलो चलो बढ़ाओ पैगाम, चलो सही बात आप सही कहे हो, जसकरण फिर आएंगे, फिर 10 रुपया लेके आए हैं, और कहते हैं अब यहूं अटल्ला पानी गरम करी और तुम का नहवाई तुम्हें क्या अब तेल तुम्हारे। माता चौथ, तुझे ये मालूम होना चाहिए ये मेरा भतीजा नहीं बल्कि मेरा बेटा है। बचपन से इसे इतना सहना मैंने किया है कि दादाजी तो थाने की ड्यूटी करते हैं और भतीजे की रखवाली उसका चाचा करता है। आज इतना बड़ा हो गया तो इससे क्या है, ये मेरा भतीजा है, भतीजा ही रहेगा, मैं इसे स्नान करवा दूंगा, इसमें गुनाह क्या होगा। तो जब मालूम होना चाहिए जिसका चाचा मौजूदा प्रधान हो और जिसका बाप मौजूदा यहाँ का एसपी हो उसका बेटा गुंडा ही बनेगा रे हरामखोर साले। चाचा श्री जूता नहीं मरी हो, जूता नहीं मरी हो, झूठा वाली बात कहते बा। पानी गरम चलो करो चलो, आज हम स्नान करी बा। ये आ गए हमारे भाई साहब जसकरण की तरफ से, ये 10 रुपए आए हुए हैं और भाई साहब का कहना है कि चलो ठीक है अब तुम लोग आगे सीन बढ़ाओ। आगे अब लिखी सारी नौकरी छाड़ दिया, अब जा रहे चित्तौड़गढ़ थाने कहीं
हुमा करीबा जाई डूटी और दो चार गाड़ी भूसा के पकड़ लिया वो हमर गुजारा करीबा इनके सारे संग कौन रही आपस में यहाँ सारा फूफा बमौसिया बनते पता नहीं कहीं के द्वारे अपना लड़ाई करे हम का खोस दे अब इनके सारे की नौकरी नहीं करीबा इनके महीना हुआ हाय थाना महोली अरे मेरी बरना हाय थाना महोली हाय मेरी बरना बर्बादी कर साहब हम चौकीदार ले हैं चौकीदार भाव तुम यहाँ के चौकीदार हो चौकीदार इसको पढ़ के सुहराइए थाने लौंडे नारा में यहाँ कांटा खोस दे दे मैं साले जो ये अंदर से लग जाता तो जानते आते पोते कहाँ जाती रे मैं चौकीदार यहाँ क्या हमारे पास टाइम नहीं है रे क्या है जी 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 रे भो हमें जानते नहीं हो हमारे नाम से वाक्य नहीं हो रहा नहीं जानने दे रहा है अभी नया नया आए वो कहाँ से आए अरे हमें जानते हो कहाँ से आए आप कहाँ से हो साहब हम अभी अभी आए हैं थाने रामगढ़ से रे यानी तुम्हारा मगढ़िया हो अभी ना हम मगढ़िया हम कौन है रे पीछे नेकी लगती है ए मिश्रा जी ए चौकीदार आगे बढ़े तुम यहाँ से ड्यूटी कितने दिन से करते रहे अरे ड्यूटी में देखे हमका 90 साल होनी जाती तेरी उम्र कितनी रे उम्र हमारे 25 साल हो गई उम्र 25 साल के ड्यूटी करते हो बहुत ही ना तुम नहीं जानती हो इके पहले बाबा हमारे हम करते रहे क्या रे यह थाने में है थाने का नाम नहीं जाने तेरे बाबा करते रहा है बाबा करीब 35 साल फिर बाबा क्या रे करी हाँ का नाम पहले लिया करो जानते हो
भाई के बाद बप्पा कराई ला क्या रे? अरे उसके पीछे कर रहे थे तेरे? नहीं है थाने में ही, थाने का नाम नीचे लिए 25 साल बप्पा करी फिर उनका क्या रे? अरे हाँ करी हाँ का नाम पहले कौन है तेरे? वही के बाद 25 साल करते हैं। तुम यहाँ से करते? हाँ यही करते हैं। यानी हम 25 साल कर रहे हैं, 25 50 अब 35 85 पांच साल घट गए। अषाढ़ तेरे बप्पा करके लगा लगाई सावन तक का करें, फिर भादव कुमार कार्तिक गहन पूस माह फागुन तक का बाबा करें, उसके बाद छाट दे फिर चैत तेरे लगा लगाए ना, चैत भरी करे ना भाई।